चलो। विनोद, तुम्हें ऐसा नहीं लगता यहाँ पे म्यूजिक थोड़ा ज्यादा है? कम कर लेते इसको। आई थिंक दैट विल बी बेटर। लेकिन सर 10 बजने को आ रहे हैं, मुझे वो फोन करना है। गो। विनोद। हाँ रीटा, रात के 10 बज गए, मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। तुमने वो नीम की गोलियां ले ली? हाँ विनोद, मुझे याद है, और ये बात याद दिलाने के लिए मुझे हर रात फोन करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है रीटा, जरूरी है। डॉक्टर ने साफ साफ जो कहा था कि रात के 10 बजे तुम्हें ये गोलियां ले लेनी चाहिए। ठीक है विनोद, मैं गोलियां खा लेती हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहने के लिए फोन किया था। और हाँ रीटा, हमेशा की तरह मैं सुबह 5 बजे घर लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बाय विनोद। आज रात को मिक्सिंग खत्म करके एपिसोड तैयार कर लेना, कल सुबह देना है। ओके। यार एक बात तो बता, तू हर रात 10 बजे फोन क्यों करता है? चक्कर क्या है? क्या बताऊं यार, तुम्हारी भाभी है ना, बहुत भुलक्कड़ हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे वक्त पर गोलियां खानी चाहिए, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं उसे फोन करता हूँ। पर उन्हें हुआ क्या है? पिछले कई महीनों से रीटा बहुत बीमार है। वैसे तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब से सीरम मिला है मैं तो बिल्कुल फंस ही गया। वक्त ही नहीं मिलता मुझे, हर रोज नाइट शिफ्ट। एनीवे, इस वक्त वो सो रही होगी। रीटा बात कर रही हूँ, रास्ता साफ है, अब हम मिल सकते हैं। बाय। और किसी देर चलना पड़ेगा, 15 मिनट और। इस मेरे डॉक्टर के चक्कर में तो मैं ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाऊंगा। अरे ये विनोद की बीवी इतनी रात को कहां जा रही है, वो भी सूटकेस लेकर? परफेक्ट यार, आज काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ यार, वरना 3 महीनों से हर रात एडिटिंग चल रही थी, अब घर जाकर आराम की नींद सोऊंगा। क्यों रीटा की भी आंखें खुली रह जाएगी कि मैं घर जल्दी कैसे पहुंच गया। जल्दी कर यार। विरोध, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? धर्म जी, आपने रीटा को देखा है क्या? वो घर पर नहीं है, पता नहीं इतने सवेरे वो कहां चली गई है। रीटा? हाँ,
मैंने कल रात करीब 12 बजे उसे घर से निकल कर जाते हुए देखा। रात के 12 बजे? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रीटा तो रात को 2 नींद की गोलियां खा के सो जाती है। नहीं विरोध, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल से तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इंस्पेक्टर कैलाश जी? हाँ। देखिए मेरी पत्नी गायब हो गई है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। गायब हो गई है? क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, या फिर आपके लिए उन्होंने कोई नोट या मैसेज छोड़ा है? नहीं इंस्पेक्टर, ना कोई नोट ना कोई मैसेज। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी पूछा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं गई। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ होगा सर? वैसे आपकी पत्नी करती क्या है? मेरा मतलब है नौकरी, बिजनेस, या शी इज द हाउसवाइफ? नहीं, वो घर से केटरिंग का बिजनेस करती है। ये देखिए हमारे पास सब कुछ है, फ्रीजर है, माइक्रोवेव है, ओवन है, बहुत अच्छा खाना बनाती है रीटा। शायद इसी काम के सिलसिले में बाहर गई हूँ। मेरा मतलब है किसी पार्टी का ऑर्डर, या पार्टी का ऑर्डर, और वो भी इतनी रात को? नहीं नहीं, और वैसे भी उसने पार्टी के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत कई महीनों से कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं, कोई बिजनेस? नहीं सर, मैं एडिटर हूँ। आपने वो सीरियल देखा होगा क्राइम टाइम, उसी को एडिट करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जो आजकल आ रहा है। हाँ। इसका मतलब है आप दिन रात काम में लगे रहते होंगे? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हर रोज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो फिर कल रात भी आप वहीं? हाँ सर, मैं वहीं था, और आज सुबह 5 बजे ही लौटा हूँ। अच्छा, इसका मतलब मिस्टर विनोद, जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तब आपकी पत्नी घर पर अकेली होती है, राइट? हाँ, लेकिन वो रात के 10 बजे तक सो भी जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 2 नींद की गोली लेने के लिए कहा था। आपके पास घर में फोर्सेप्स होंगे? प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, फॉर्सेप्स। थैंक यू। कहीं ये गोली तो नहीं? हाँ, लेकिन ये, लेकिन आपकी पत्नी ने गोली खाई नहीं, उन्होंने तो सिंक में फेंक दी थी। मिस्टर विनोद, ये तो अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं चली गई, वरना हमें कैसे पता चलता? आप कह रहे हैं कि राइट? नहीं इंस्पेक्टर, बिना किसी कारण वो अपना घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? जरूर किसने उसके साथ जबरदस्ती की है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जी हाँ, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सर, ये है धर्म जी, विनोद जी के नेबर। इनका कहना है कि इन्होंने रीटा जी को घर से अकेले जाते हुए देखा। क्यों धर्म जी? जी हाँ, जी हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। पहले एक टैक्सी आई, वो बाद में आकर उसमें बैठे, और उनके हाथ में सूटकेस भी था। हाँ हाँ, तो बात एकदम साफ है। सूटकेस का गायब होना, स्लीपिंग पिल्स का सिंक में मिलना, और आपकी पत्नी का अपनी मर्जी से अकेले चले जाना, मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है कि क्या 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 लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है। What? ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाएगी? हम दोनों के बीच तो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या पता, हो सकता है किसी ने उसे फोन करके बुला लिया हो, ये कहकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर बाद में उसे किडनैप कर लिया हो। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये हो सकता है। वो कुछ परेशान भी लग रही थी और शायद रो भी रही थी। देखा देखा इंस्पेक्टर, प्लीज, अब आपको किसी भी हाल में रीटा को ढूंढना होगा।
आप उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ सकते हैं जो रीटा को यहाँ से ले गया था। मिसिज रीटा को उस रात तुम अपने टैक्सी में ले गए थे? हाँ साहब, उन्होंने टैक्सी मंगवाई थी। उस रात मैं ही ड्यूटी पर था इसलिए मैं चला गया। कितने बजे? यही कोई 12 बजे के आसपास। मैं वहां पर पहुंचा तो वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। उसके साथ कोई और था? नहीं साहब, वो बिल्कुल अकेली थी। वो कहाँ जाना चाहती थी? वो मैंने पूछा था उससे। कहाँ चलना है मैडम? मरीना लेक, बहुत अर्जेंट है। मरीना लेक इतनी रात को? हाँ बहुत अर्जेंट है, जल्दी गाड़ी चलाओ। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गाड़ी चलाओ जल्दी प्लीज। मैडम आप रो क्यों रही हैं? आपको इससे मतलब क्या है? मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मरीना लेक पहुंचने के बाद क्या हुआ? मैंने उसे मरीना लेक से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दिया। मैंने उसे कहा भी कि मैं उसे आगे तक छोड़ सकता हूँ, मगर उसने मना कर दिया। वो पैदल ही जाना चाहती थी। तुमने और कुछ देखा वहां? अरे हाँ साहब, मैं कुछ दूर ही गया हूँगा कि सामने से तेजी से गाड़ी आती दिखाई थी, मरीना लेक की तरफ जा रही थी। क्या तुम इस गाड़ी को पहचान सकते हो? नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, बस इतना बता सकता हूँ कि हरे रंग की एक गाड़ी थी। और साहब, दूसरे दिन जब मैं टैक्सी साफ कर रहा था, मुझे ये मिला। MFC, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते कि ये उसी का है? इसमें तो MFC लिखा है और उसका नाम तो रीटा है। लेकिन सर, उसके बाद टैक्सी में कोई बैठा ही नहीं, उसी का होना चाहिए। क्या हो सकता है ये MFC? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, ये रीटा का स्कार्फ नहीं है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? एकदम यकीन के साथ, मगर इंस्पेक्टर रीटा का क्या हुआ? I'm sorry मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है ये आपका पर्सनल मामला है, ये पुलिस केस नहीं। मतलब साफ है, आपकी पत्नी अपनी मर्जी से चली गई है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इंस्पेक्टर अजीत को मरीना लेक भेजा। अगर वहां से भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। हेलो, यस विनोद भैया, हाँ एक मिनट आपके लिए सर। हेलो, हाँ बोलो अजीत। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंच रहे हैं। सर ये सूटकेस तालाब के बीचों बीच मछली पकड़ने वालों को मिला है। कहाँ? वहां से? जी हाँ, वहां तालाब के बीचों बीच। अभी तक खोला नहीं ना? यही रीटा का बैग है, यही रीटा का बैग है, खोलो इसे, खोलो। अभी तक खोला तो नहीं ना? नो सर। देखो अंदर क्या है। जी हाँ देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो रीटा के कपड़े हैं, रीटा का पर्स। ये देखिए रीटा के जेवर। ओह माय गॉड, रीटा की अंगूठी जो उसके पिता ने उसे दी थी, और ये देखिए पैसे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? अगर रीटा मुझे छोड़कर जाना चाहती तो फिर ये सूटकेस पानी में क्यों फेंक देती? मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूं कि रीटा को जरूर कुछ हुआ है, कब से? रीटा, रीटा, रीटा! रिलैक्स, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और वहां से पुलिस स्टेशन ले आना। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, मैं आपकी पत्नी रीटा को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। आराम से ले आओ ने, यहां ले आओ बेटा, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। सर डॉक्टर ने इन्हें ट्रैंकुलाइजिंग शॉट दिया है। Thank you.
मिस्टर विनोद की पत्नी की डायरी। मिस्टर विनोद, आपकी पत्नी की डायरी से हमें एक नंबर मिला है। ये नंबर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे 3-4 बार सर्कल किया गया है, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इसको ढूंढने का एक ही तरीका है, डायल करके देखते हैं। यस सर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मगर आप कौन बोल रहे हैं? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मिस्टर विनोद, यही वो जगह है ना जहां आप काम करते हैं? हाँ मिस्टर रत्नाकर, अच्छा होगा अगर आप पाषाण पुलिस स्टेशन अभी इसी वक्त पहुंच जाए। मेरा इसे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर रत्नाकर, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मिसेज रीटा को जानते थे? देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप सब कुछ बता दे, प्लीज। मैं मानता हूं मेरे रीटा के साथ ताल्लुकात थे पिछले 8 महीनों से। क्या हर रात मुझे 9 बजे से 5 बजे तक एडिटिंग में बैठा दिया? और मुझे सीरियल मिली तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई, लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ पर बात कर दी। रत्नाकर, आई एम सॉरी विनोद, मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चुप! इंस्पेक्टर, रीटा तो इस किस्म की लड़की थी ही नहीं, इसी ने रीटा को फंसाया है, इसी रत्नाकर ने। फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले की बात है, मैंने सोच लिया था उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीटा के साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। रत्नाकर, मैं विनोद से तलाक ले लूंगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो रत्नाकर? वही जो तुम सुन रही हो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है रीटा, आज के बाद तुम दोबारा मुझे फोन भी मत करना। तुम समझते क्या हो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, सुना तुमने? मिस्टर रत्नाकर, तुम्हें सोसाइटी में अपनी पोजीशन पर बड़ा गुरु रहना, मैं तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। 2 हफ्तों तक उसका फोन नहीं आया, फिर अचानक 20 तारीख की रात को। 20 तारीख की रात को? उसी दिन तो रीटा गायब हुई थी। हाँ, उस रात को मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था, करीब 11:30 बजे उसने फोन किया। हेलो। हेलो रत्नाकर, प्लीज फोन मत रखना, सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझसे मिलो प्लीज। ठीक है। तो ठीक है, तुम मरीना लेक पहुंच सकते हो? मरीना लेक? पागल तो नहीं हो गई हो इतनी रात को वहाँ? देखो, मैं तुमसे घर पे नहीं मिल सकती, प्लीज रत्नाकर, प्रॉमिस मी तुम वहाँ आओगे। ओके। और तुम मरीना लेक पहुंच गए? जी हाँ, रात को करीब 1 बजे मैं मरीना लेक पहुंचा, मगर वहां पे कोई था ही नहीं। ये देखो, ये है मरीना लेक का मैप, वो यहाँ खड़ी थी और यही वो सड़क है जहाँ से तुम आए, मतलब मरीना लेक पहुंचने के लिए तुम्हें उसके पास से गुजर कर जाना पड़ा होगा। मैं उससे मिला ही नहीं, शायद वो मेरे आने से पहले ही वहां से चली गई होगी। टैक्सी ड्राइवर ने उसको छोड़ा और वापसी में आपको आते हुए देखा, और आप कह रहे कि आप उससे मिले ही नहीं? ये सब उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। जरा सोचो, कोई मिलने के लिए इतनी दूर सुनसान में क्यों बुलाएगी? और एक बात हो सकती है रत्नाकर साहब। क्या? वो ये कि तुमने रीटा को फोन करके मरीना लेक आने के लिए कहा, और वहां तो सुनसान है, लाश को आराम से ठिकाने लगा सकते हैं। Thank you.
पूरे तालाब को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। पर सर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रीटा हमें यहीं मिलेगी। तुम वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें सूटकेस मिला है। ओके सर। आप लोगों को यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर कैलाश, रीटा जिंदा है और वो कहीं छुपी हुई है। वो हम पर इस वक्त हंस रही होगी। मुझे नहीं लगता वो हंस रही होगी, वो अब कभी नहीं हंसेगी। लगता है वो अब जिंदा नहीं है। क्या सर? सर जाओ कुछ कर दे। देखा, मैंने कहा था रीटा। मैंने आपसे कहा था ना, रीटा को जरूर कुछ हुआ है। लाश को फॉरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया गया। मौत किस वक्त हुई है? 20 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच, जिस वक्त वो घर से गायब हुई थी सर। एक ही आदमी है जिसके पास खून करने की वजह, और वो घटनास्थल के पास में था, रत्नाकर। रत्नाकर को तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, मैंने रीटा को खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हो सकता है ये खून विनोद ने किया हो। मगर रीटा का खून तो रात करीब 12 से 1 के बीच में हुआ था, और उस वक्त विनोद आपके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। फिर ये हो सकता है कि कोई और हो, यानी कि कोई तीसरा। तीसरा? तीसरा कौन? हो सकता है ये खून विनोद ने कोई तीसरे आदमी से करवाया हो। आप एक बात बताइए, आप इस स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हैं? ये स्कार्फ MFC? कौन है ये MFC? क्या तुम उसे जानते हो? MFC कोई आदमी नहीं, एक कंपनी है। कंपनी? क्या तुम जानते हो ये कंपनी कहाँ है? MFC यानी कि मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम्स। ये तो टीवी सीरियल और फिल्म में कपड़े भाड़े पे देते हैं। हवलदार, मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम के मैनेजर को लेके आओ। जी हाँ, मैं हूँ मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम का मैनेजर। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये स्कार्फ आपकी कंपनी का है? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का ही है। अपने हर कपड़े पर ऐसा निशान लगाते हैं ताकि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कपड़ों की पहचान आसानी से कर पाए। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में 20 तारीख की रात को मिला है, ये वहां कैसे पहुंचा? सर ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहां कैसे पहुंचा, पर 18 तारीख को एक टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए स्कार्फ हमने भेजा था, वहां से वापस आया शायद उसे खो गया। हमने फाइन भी किया था उन पर 100 रुपये, और ये 100 रुपये हमने उनके प्रोडक्शन मैनेजर से लिए। उसका नाम है उल्लास। मैं ही उल्लास हूं। क्या आप इस स्कार्फ को पहचानते हैं? अरे पहचानता, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये स्कार्फ हमारी पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। इस स्कार्फ के खो जाने की वजह से मुझे मोहनलाल ड्रेस वाले को 100 रुपये देने पड़े, और तो और कंटिन्यूटी में भी बड़ी परेशानी आई। हाँ एक मिनट, एक मिनट। क्या बात है उल्लास भाई? इंस्पेक्टर साहब आए हैं आपसे बात करें। हेलो आशा, तुम्हें याद है पिछली शूटिंग में ये स्कार्फ तुम्हारे पास था ना, और फिर अचानक गायब हो गया था। अरे हाँ, ये तो वही स्कार्फ है, लेकिन ये आप कैसे मिला? उल्लास भाई, हाँ वहाँ पर प्रॉपर्टीज चाहिए। अच्छा साहब, आप दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी आशा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में मिला है। टैक्सी में? लेकिन मैं तो टैक्सी में जाती नहीं हूँ। जब से ये सीरियल शुरू हुआ है मैंने अपनी कार खरीद ली है, अब उसी से आना जाना होता है। स्कार्फ टैक्सी में कैसे आया? हाँ ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वाला इसे अपने साथ ले गया हो और फिर वहीं टैक्सी में भूल गया हो। आप किसी रत्नाकर, रीटा या किसी एडिटर विनोद को जानती हैं? विनोद के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना। हाँ लेकिन
रत्नाकर, कहीं आप वो प्रोड्यूसर रत्नाकर की बात तो नहीं कर रहे जिनका अपना स्टूडियो भी है? जी हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ जाती तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं। एक दो बार काम के सिलसिले में बात हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोल ऑफर नहीं किया। इसका मतलब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये स्कार्फ टैक्सी में कैसे पहुंचा? क्या मान, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रीटा नाम की एक औरत का खून हुआ है, और उसी खून के सिलसिले में मैं आपसे पूछताछ करने आया हूँ। उनका सिलसिला? जी हाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुलिस आज सेट पे इंक्वायरी करने आई थी। विनोद, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम तो कह रहे थे कि मुझे रोल दिलवाने के बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूँ, मगर तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं, मगर पुलिस कह रही थी कि रीटा का खून हो गया है। ये सच है? सच है, मगर ये हुआ कैसे? देखो विनोद, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक दिन एडिटिंग करते करते मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मैं घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचने पर देखता हूँ कि रत्नाकर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। रत्नाकर की गाड़ी और मेरे घर के बाहर? घर में तो सिर्फ रीटा है। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब रीटा और रत्नाकर का अफेयर था। हाँ, और उस दिन से मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं कई दिनों तक सोचता रहा, फिर आखिर में एक बढ़िया सा प्लान आया मेरे दिमाग में। आखिर मैं एक क्राइम सीरियल का एडिटर हूँ। सीरियल एडिट करते करते मेरा दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया है। तुमने किया क्या? एक दिन तुम रोल मांगने के लिए रत्नाकर के स्टूडियो में आई थी। मैंने तुम्हें वहां देखा। तुम्हारी हाइट, डिल डॉल वगैरह एकदम मेरी पत्नी जैसा है। सिर्फ बालों का प्रॉब्लम था, वो मैंने सोचा कि समझ ली। मगर तुम्हें इस काम के लिए पटाया कैसे जाए ये सोचकर पहले मैंने मोहब्बत सीरियल के प्रोडक्शन मैनेजर उल्लास दादा से बोलकर तुम्हें एक अच्छा संपूर्ण दिलवाया। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुमने मुझे वो रोल इसलिए दिलवाया था? अब मैं समझी, कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए थे? मुझे वो तारीख भी याद है, 18 तारीख थी। देखो आशा, मैंने तुम्हें ये रोल दिलवाया है, अब तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना। रोल दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और रत्नाकर के साथ। उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? एक्टिंग, जो तुम करती हो। किसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी? मेरी बीवी की। पत्नी की एक्टिंग? तुमने मुझे दूसरे दिन अपने घर बुलाया था। तुम्हारे कहने पे मैंने रीटा के कपड़े पहने, मिस्टर रत्नाकर को फोन किया और रोते रोते टैक्सी पकड़ के मरीना लेक चली गई। और मैंने तुम्हें कहा कि उस सूटकेस को पानी में फेंक दो और वहां से चले जाओ। उसके बाद और क्या? मैंने रीटा को मार दिया। मार दिया? तुमने उसे मार दिया? मार दिया। ओह माय गॉड, मार दिया मैंने रीटा, क्योंकि मैं चाहता था कि पोस्टमार्टम से पुलिस को ये पता चले कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई थी। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने मरीना लेक पहुंचा, लेकिन रीटा तो 5 बजे ही मर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी लाश को इस डीप फ्रीजर में डाला। डीप फ्रीजर में? एक बार लाश डीप फ्रीजर में डाल दो तो वो सड़ती नहीं। Thank you.
गिरफ्तार करना है। छोटा सा मजाक है, नथिंग सीरियस। मगर कुछ नहीं। देखो तुम एक एक्ट्रेस हो, बस अपना काम करती जाओ, इसलिए एक एक्टिंग असाइनमेंट ही समझ लो। ओके। वैसे तुम एक्टिंग का कितना लेती? मैं पर डे 2000 लेती हूँ। 2000 तो फिर 2000 क्या कर रहे हैं आप? आई डिडंट मीन दिस विनोद, आपसे नहीं, आई मीन प्लीज जो भी है रख लो। अरे बस रोना मत भूलना। अच्छा अब मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूं, जो काम करने के लिए कहा था बिल्कुल मत भूलना। ओके। साथ एक कैसा मजाक करने वाले हैं। पॉर्नोस के ऊपर मैंने श्रीखंड और आइसक्रीम रख दी थी, लेकिन मुझे तो लाश दिखी ही नहीं। हाँ, बाकी सब एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। जाते समय मैंने फ्रीजर बंद कर दिया, बर्फ पिघलने शुरू हो गई। 12 बजे के आसपास फ्रीजर गर्म हो गया, लाश सड़नी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे जब मैं घर लौटा तब मैंने लाश को उठाकर कार में डाला और जाकर मरीना लेक में फेंक दिया। प्लान कंप्लीट। डॉक्टर कहते हैं कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने वाला था, इसका मतलब रत्नाकर ने रीटा को मारा ना? मुझे नहीं पता था कि मैं खून में हाथ बटा रही हूँ। बस तुमने दो गलतियां की। एक, तुमने वो स्काफ टैक्सी में छोड़ दिया। दूसरी, बिना किसी बताए तुम यहाँ चली आई। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। मतलब कि मैं तुम्हारा भी खून करने वाला हूँ। आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही आशा गायब हो गई, फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी वजह से पूरी शूटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन आशा गायब क्यों हो गई, वो भी बिना बताए? ये सब आपकी पूछताछ की वजह से हुआ। आखिर उससे आपने क्या कहा था? मैं खून के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। खून? मैं जानना चाहता था कि क्या वो रत्नाकर या वीडियो एडिटर विनोद या उसकी पत्नी रीटा को जानती है। मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ रत्नाकर को जानती हूँ, विनोद या रीटा का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। क्या कहा उसने, वो विनोद को नहीं जानती? हाँ। अरे विनोद की वजह से ही तो उसे मेरी सीरियल में काम मिला था। अच्छा जी, विनोद की और हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने मुझसे कहा कैसे भी करके उल्लास भाई आशा को आपकी सीरियल में काम दे दो। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर में ये चक्कर क्या है, लेकिन साहब आखिर वो हमारा दोस्त है, उसकी बात माननी पड़ी और मैंने आशा को अपनी सीरियल में काम दे दिया। लेकिन आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती थी सर। अगर आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, हमें इसी वक्त विनोद के घर जाना चाहिए। समझ
सवादास बज रहे हैं। वो मेरा पड़ोसी धर्म 11 बजे तक घूमता रहता है। उसके बाद ही मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकूंगा। तब तक यही ठीक है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप विनोद को जानती हैं, तो उसने कहा ना। उसने झूठ क्यों बोला? और उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर न जाने कहां चली गई? उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? सर, सर मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना? अरे उसे तो इस घर का पता भी नहीं मालूम। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? मुझे तो लगा वो यहां जरूर मिलेगी, मगर वो यहां नहीं आई है सर। ये आवाज कैसी थी? लगता है यहां से आई है। लगता है फ्रीजर खराब हो गया है सर। खराब? हाँ। लगता तो है, आवाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मशीन को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। लगता है आपने कुछ ज्यादा सामान भर दिया। खैर जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ओके सर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन भी जब मैं इस घर में आया था तब भी यहां पर पानी फैला हुआ था, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। हट जाओ। हाँ? आपने बाहर कचरे के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम और खाने का सामान फेंका है, क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर खराब हो गया इसलिए। मुझे चाबी दो, मैं देखता हूँ, मैं ठीक कर लूंगा। चाबी मिल नहीं रही। चाबी मिल नहीं रही। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए बचने ही वाला था, मैं बचने वाला था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।